नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ निशा कश्यप। इस बुलेटिन में आज बात होगी गन्ना उगाने वाले किसानों के लिए सरकार की ओर से दी गई बड़ी खुशखबरी की, यूपी में योगी सरकार द्वारा कर्मचारियों को दी गए तोहफे की, महाराष्ट्र में केंद्रीय मंत्री राणे की बढ़ रही मुसीबतों की, यूपी में आज से शुरू हुए उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण की और बुलेटिन के आखिर में बात होगी रेलवे की सुविधाओं और मौसम विभाग के मुताबिक जारी किए गए अनुमान की। और उससे पहले एक नज़र सुर्खियों की ओर। तेजस एक्सप्रेस के यात्रियों को मिलेगा तोहफा। IRCTC लखनऊ के मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक अजीत कुमार सिन्हा के मुताबिक शुक्रवार यानी 27 अगस्त से तेजस एक्सप्रेस ट्रेन में सभी यात्राओं के दौरान लकी ड्रॉ से चुने जाने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान IRCTC ऑन बोर्ड टीम द्वारा उपहार प्रदान किया जाएगा। बैंकिंग कर्मचारियों की पेंशन को लेकर नियम में बड़ा बदलाव। बैंकिंग कर्मचारियों की फैमिली पेंशन को लेकर वित्त मंत्रालय ने बड़ा फैसला लिया है। अब अगर किसी बैंकर की मौत हो जाती है तो उसकी फैमिली को लास्ट सैलरी का 30% पेंशन के रूप में मिलेगा। कैबिनेट ने एंकोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट होल्डिंग में FDI प्रस्ताव को दी मंजूरी। 15,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। निवेश हाल ही में घोषित नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन यानी कि NMP के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि ये सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर की संपत्तियों को प्राइवेट ऑपरेटर्स को पट्टे पर देने में मदद करेगा। गन्ना किसानों के लिए आई बड़ी खुशखबरी, सरकार ने कई रुपए बढ़ाया गन्ने का दाम। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार गन्ने का MRP यानी कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस बढ़ा दिया है। इसको लेकर कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है। अब बात करते हैं देश और विदेश की बड़ी और अहम खबरों की। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया था। उन्होंने जेवलिन थ्रो के फाइनल में 87.58 दूर भाला फेंककर भारत को एथलेटिक्स में पहला गोल्ड दिलाया। लेकिन फाइनल से पहले नीरज के लिए सब कुछ ठीक नहीं था। नीरज ने एक इंटरव्यू में बताया, मैं फाइनल की शुरुआत से पहले अपना जेवलिन तलाश कर रहा था, मुझे वो मिल नहीं रहा था। अचानक मैंने देखा कि अरशद नदीम मेरे जेवलिन के साथ घूम रहा है। मैंने उससे कहा, भाई ये मेरा जेवलिन है, ये मुझे दे दे, मुझे इसे थ्रो करना है। तब उसने मुझे वापस किया। तभी आपने देखा होगा कि मैंने अपना भाला काफी जल्दबाजी में फेंका था। राष्ट्रपति की अयोध्या दौरे से पहले पकड़े गए 4 संदिग्ध, ATS और पुलिस कर रही गहन पूछताछ। अयोध्या पुलिस और ATS ने चारों युवकों को अपनी कस्टडी में ले लिया है। बताया गया है कि चारों हरियाणा नंबर की इनोवा कार से अयोध्या पहुंचे थे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने फिर बोला प्रधानमंत्री मोदी पर हमला, कहा ये देश मोदी या BJP की संपत्ति नहीं। बंगाल की CM ममता बनर्जी ने बुधवार को फिर BJP सरकार पर हमला बोला है। इसके साथ ही BJP नेताओं के उत्तर बंगाल में अलग राज्य की मांग को खारिज करते हुए कहा कि ये इतना सहज नहीं होगा, बंगाल का विभाजन नहीं होने देंगे। केवल ई वीजा पर ही भारत की यात्रा कर सकेंगे अफगान नागरिक। अफगानिस्तान में बिगड़े हालातों के बाद केंद्र सरकार का फैसला। दरअसल ये फैसला उन रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए लिया गया है जिनमें दावा किया गया था कि अफगान नागरिकों के कुछ पासपोर्ट खो गए हैं। ऐसे में जो अफगान नागरिक फिलहाल में भारत में नहीं हैं, उनके पहले जारी किए गए वीजा तत्काल प्रभाव से अमान्य हो जाते हैं। आजीवन प्रतिबंध पर संसद को गौर करना चाहिए, अदालत को नहीं, सांसदों विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों पर बोले CJI। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के विशेष अदालतों की स्थापना और प्रक्रिया को तेज करने के लिए कहेंगे, ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि सब कुछ एक ही दिन में हो जाएगा। उड़ीसा में 322 मामले लंबित हैं। स्मार्ट बैंकिंग के लिए IS 4.0 हुआ लॉन्च, अब किसानों को और आसानी से मिलेगा लोन। मुंबई में आज पब्लिक सेक्टर बैंकों की एनुअल परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग हुई। इस मीटिंग में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण शामिल हुई। उन्होंने पब्लिक सेक्टर के सभी 12 बैंकों के प्रमुख से मुलाकात भी की। कोरोना की स्थिति में हुआ सुधार, अब सामान्य रूप से खुलेंगी दुकानें, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल खोलने की भी दी गई इजाजत। बिहार में कोरोना वायरस की स्थिति को देखते हुए अब दुकानों, प्रतिष्ठानों, शॉपिंग मॉल, पार्क, उद्यान और धार्मिक स्थलों को सामान्य रूप से खोलने की अनुमति दे दी गई है। वहीं सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और खाने की दुकान 50% क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति पर 2 हफ्ते में फैसला दे हाईकोर्ट। पाकिस्तान की जीत का भारत को मिला फायदा, WTC के पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 पर रही टीम इंडिया। यूपी में योगी सरकार का तोहफा, महंगा भत्ता आने के बाद कर्मचारियों को मिलेगी 4,000 से 21,000 तक बढ़ी हुई सैलरी। AICC पर्यवेक्षक की देखरेख में बैठक बुलाएंगे CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, विधायकों से करेंगे बात। पंजाब में तख्तापलट की खबरों पर बोले प्रगट सिंह। महाराष्ट्र में थमने का नाम नहीं ले रही केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की मुश्किलें, अब नासिक पुलिस ने नोटिस भेजकर 2 सितंबर को थाने में पेशी के लिए बुलवाया।
बंगाल हिंसा में विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के मामले में एक्शन में आई सीबीआई जांच के लिए बनाया गया स्पेशल 109। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने जांच को अपनी प्रक्रिया बढ़ा दी है और हिंसा के मामलों की जांच के लिए कुल 109 अधिकारियों की टीम बनाई है। यूपी में सीएम योगी आज करेंगे उज्ज्वला योजना 2.0 के दूसरे चरण की शुरुआत। 20 लाख महिलाओं को मिलेगा मुफ्त एलपीजी कनेक्शन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त को यूपी में एलपीजी कनेक्शन सौंपकर उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया था। पीएम ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों से बातचीत भी की थी। वेदर अपडेट। यूपी बिहार के कुछ हिस्सों में बरसात रहेगी जारी। आईएमडी ने 27 अगस्त तक देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। आज बिहार को मिलेंगे 4 नए स्टेट हाईवे। 5 घंटे में पटना वादा पूरा करने की दिशा में सीएम नीतीश का एक और कदम। सीएम नीतीश कुमार आज बिहार को 4 स्टेट हाईवे की सौगात देने वाले हैं। इससे बिहार के कई सुदूर जिले भी राजधानी पटना के करीब आ जाएंगे। इस कार्यक्रम में सीएम के अलावा उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और तार किशोर प्रसाद और केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह भी मौजूद रहेंगे। पंचायत के विकास कार्य से बीडीओ डीडीसी की छुट्टी या पंचायती राज पदाधिकारी देखेंगे कामकाज। पंचायत राज संशोधन अधिनियम 2021 के प्रभावी हो जाने के बाद पंचायत के विकास कार्य से बीडीओ डीडीसी को हटा दिया गया है। अब पंचायत के विकास की जिम्मेदारी पंचायती राज पदाधिकारी की होगी। महाराष्ट्र में नारायण राणे की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई। केस रद्द करने के लिए दायर की गई है याचिका। मुंबई उच्च न्यायालय में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे से जुड़े मामले में आज सुनवाई हुई है। नारायण राणे ने अपने ऊपर लगे केस रद्द करने के लिए याचिका दाखिल की है। राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने का आपत्तिजनक बयान दिया था। मध्य प्रदेश में जल्द गठित होगा पिछड़ा वर्ग आयोग। ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 15 संगठनों के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में बोले सीएम शिवराज। सीएम शिवराज ने सोमवार को दिल्ली में तुषार मेहता समेत कई वकीलों से की मुलाकात। इस दौरान उन्होंने हाईकोर्ट में आरक्षण के मुद्दे पर होने वाली अगली सुनवाई के बारे में भी चर्चा की। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश। इंदौर में चूड़ी विक्रेता की पिटाई को लेकर बोले पी चिदम्बरम। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा अगर राज्य के गृह मंत्री भीड़ की हिंसा और सतर्कता न्याय को सही ठहराएंगे तो वो गृह मंत्री की कुर्सी पर क्यों बैठे हुए हैं। राहुल गांधी के समर्थन में उतरे सीएम अशोक गहलोत। कहा इस फैसले के बाद देश के युवाओं को नहीं मिल सकेगा रोजगार। सीएम गहलोत ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि राजग सरकार जो गलती कर रही है उससे पूरा देश चिंतित है। गुजरात सरकार ने लिया अहम फैसला। राज्य में रह रहे पाकिस्तानी के हिंदू शरणार्थियों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। शरणार्थियों के बच्चों को अक्सर तकनीकी वजहों से स्कूल में प्रवेश पाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जडेजा ने अधिकारियों को आवश्यक कदम उठाने और प्रवेश प्रक्रिया की निगरानी करने का निर्देश दिया है। सलमान खान को मुंबई एयरपोर्ट पर रोकने वाले एएसआई सोमनाथ मोहंती का नहीं हुआ था मोबाइल जब्त। सामने आई पूरी सच्चाई। सलमान खान और कैटरीना कैफ हाल ही में अपनी आगामी फिल्म टाइगर 3 की शूटिंग के लिए विदेश रवाना हो गए थे। ऐसे में जब विदेश जाने के लिए एक्टर एयरपोर्ट पहुंचे थे तो उनको एएसआई सोमनाथ मोहंती ने रोका था। पंजशीर में मौजूद अमरुल्ला सालेह का बड़ा बयान। यूएस के पैसों से तालिबान की मदद करता रहा पाकिस्तान। बाइडेन ने लिया गलत फैसला। तालिबान के खिलाफ विद्रोह छेड़ने वाले अफगानिस्तान के कार्यवाह राष्ट्रपति अमरुल्ला सालेह ने अमेरिका को लेकर बड़ा बयान दिया है। पाकिस्तान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अफगानिस्तान मामले पर G7 देशों ने की बैठक। समय सीमा बढ़ाने के लिए बाइडेन को नहीं मना पाए नेता। अफगानिस्तान के मुद्दे पर G7 देश के नेताओं ने बैठक की है। इसके बीच अफगानिस्तान की महिलाओं और अल्पसंख्यकों को लेकर भी बातचीत हुई लेकिन समय सीमा बढ़ाने के लिए बाइडेन को नहीं मनाया जा सका। ये तो थी आज की बड़ी और अहम खबरें। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। अब तक के लिए इतना ही। इजाजत लेते हैं आपसे। तब तक के लिए देखते रहें HC News। धन्यवाद।